IMF का डूमोर का मुतालबा, पाकिस्तान को अरबों रुपए की टैक्स छूट बतदरीज खत्म करने की हिदायत। आइंदा बजट में सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की रायते और छूट मरहलावार खत्म करने की तजवीज। आइंदा बजट में कमर्शियल इंपोर्टर्स पर विदहोल्डिंग टैक्स लगाने पर गौर। कमर्शियल इंपोर्टर्स पर 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपए तक रेवेन्यू मतवक्के। आइंदा बजट में इम्पोर्टेड ट्रैक्टर्स पर टैक्स आयद करने की तजवीज़। बजट में ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान। टैक्स छूट खत्म होने से आइंदा माली साल 30 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू मतवक्के। ट्रैक्टर्स और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स इस्तिस्ना के खात्मे से ज़रई लागत मजीद बढ़ जाएगी। रिफॉर्म्स जिन पे हम काम कर रहे हैं, टैक्स टू जीडीपी, द सेकंड थिंग इज एनर्जी, उस पर मैं एक मिनट में वापस आता हूँ, एंड द थर्ड थिंग इज एसओई रिफॉर्म्स एंड द प्राइवेटाइजेशन एजेंडा। तो कल ये जो मीटिंग होगी इंशाल्लाह दोपहर में, वी विल गो बैक टू द वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड टू से कि ये सब कुछ आप प्राइवेट सेक्टर के हवाले करें और इंशाल्लाह हम इसको इसी तरह आके लेके जाएंगे और इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी है। वो IMF से तवील प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करेंगे। मौशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना होगा। मुश्किल से निकलना है तो प्राइवेट सेक्टर को लीड करना होगा। तनख्वाहदार तबका टैक्स नेट में शामिल है। ताजर बरादरी को भी टैक्स नेट में लाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहा रेवेन्यू का हदफ 94 खरब रुपये है। रुपये की कदर मुस्तहकम हो रही है। हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है, काम प्राइवेट सेक्टर का काम है। करंट अकाउंट और बजट खसारे को ख़त्म करेंगे। IMF का मिशन आइंदा हफ्ते पाकिस्तान से मुज़ाकरात करेगा। बातचीत का मकसद अगले प्रोग्राम से मुतालिक तबादला ख्याल है। मौशी तरक्की की बुनियाद रखने पर बात होगी। मुज़ाकरात से गवर्नेंस और मईशत के लिए बेहतरीन नतायज बरामद होंगे, नुमाइंदा IMF एस्थर पेरेस का बयान। आज़ाद कश्मीर में महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज और पहिया जैम हड़ताल, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, कारोबारी मराकज़ बंद। मुख्तलिफ इलाकों से मुजफ्फराबाद जाने के लिए काफिले रवाना। लॉन्ग मार्च के शुरका ने जगह जगह खड़ी रुकावटें हटा दी। मुजाहरीन के इस्तकबाल के लिए जगह जगह इस्तकबालिया कैंप कायम। आज़ाद कश्मीर ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मरकजी क्यादत का पुरतशद्दुद वाकया से लातालुकी का इजहार। हमारी तहरीक पुरअमन है और रहेगी। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा किसी तौर पर भी काबिले कबूल नहीं है। एहतजाज हो रहे हैं, ये किसी रियासत के खिलाफ नहीं है, किसी इदारे के खिलाफ ना। फौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है, पाकिस्तान हमारा है और हमसे ज़्यादा पाकिस्तान से पाकिस्तानी भी मोहब्बत नहीं करता। ये कोई इंडियन एजेंडा है या कोई ऐसी बात है, ऐसी कतन कोई बात भी नहीं। सिंपल सा फार्मूला है कि हम हमारे वसाइल हैं, उसके हवाले से हम अपने जो हमारे नुमाइंदगान हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में होने वाले एहतजाज का नोटिस ले लिया। सदर मुमलिकत ने आज ऐवान सदर में अहम इजलास तलब कर लिया। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी और पीपल्स पार्टी कश्मीर के रहनुमाओं को तलब कर लिया गया। कौम मुश्किल दौराहे पर खड़ी है। मसाइल का हल बातचीत से ही मुमकिन है। पुल का किरदार अदा करने की कोशिश करता रहा हूँ, बातचीत के लिए किरदार अदा करता रहूँगा। अगर कोई कह रहा है कि बातचीत की जाए तो इससे बात करें। सदर का रोल आईनी है, कोशिश की कि उहदे का हक अदा करूँ। बानी PTI का मैंडेट बहाल होना चाहिए। कौम को जोड़े बगैर मईशत बेहतर नहीं होगी। सऊदी सरमायाकारी से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, साबिक सदर आरिफ अलवी की गुफ्तगू। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर के लिए फंडिंग का इंतजाम कर लिया। अगले 5 साल में साफ पानी हर गांव, मोहल्ले और घर तक पहुंचाएंगे। कोई स्कूल अब टीचर्स की कमी की वजह से बंद नहीं होगा। पीपल्स पार्टी का 10 निकाती एजेंडा पूरे पाकिस्तान के लिए है। किसान और लेबर कार्ड का इजरा जल्द करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर समेत पंजाब में रोटी 15 रुपये में मिलेगी। नान रोटी एसोसिएशन की रोटी 15 रुपये में फरोख्त करने की यकीन दहानी। वज़ीर ख़ुराक पंजाब से सदर मुतहदा नान रोटी एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। हुकूमत ने आटे की कीमत में बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया, इसकी दिल से कदर करते हैं। आवाम को रिलीफ देने में हुकूमत के शाना बशाना है। रोटी 15 रुपये में फरोख्त करेंगे सदर नान भाई एसोसिएशन आफ्ताब गुल। वज़ीर ख़ुराक बिलाल यासिन ने कहा कि आवाम को सस्ती और मियारी रोटी की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।
नुदरत फातिमा, मुझे आपका बहुत इंतज़ार है, बड़ी ईद पर हो सके तो ज़रूर आना, मेरी यही दुआ है। खलूस, शफकत, प्यार और सब्र का दूसरा नाम माँ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माओं का आलमी दिन आज। दिन मनाने का मकसद इस अजीम और मुकद्दस रिश्ते की अहमियत का एहसास करना, माँ की बेलौस मोहब्बत का एतराफ़ और उन्हें खराज तहसीन पेश करना है। बहुत याद आती है उसकी मुझे, आई मिस यू काशिप, आई लव यू काशिप, बहुत याद आती है। वो इस जगह पर चला गया कि हम लोग पहुँच भी नहीं सकते। अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह मेरे बेटे को खुश रखे जहाँ भी रखे। धरती पर लखते जिगर कुर्बान करने वाली बहादुर माओं को कौम का सलाम। लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली शहीद, माँ के बहादुर सपूत, जिन्होंने वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के हमले में जामे शहादत नोश किया। वालिदा को बेटे की शहादत पर फख्र, यादें ताज़ा। लाहौर में पुलिस एहलकारों के टारगेट किलिंग में मुलविस चार दहशतगर्द हलाक। फैजान भट्ट की निशानदेही पर क्रोल जंगल से दो पिस्टल और दस्ते बम बरामद। इसी दौरान दहशतगर्द के छह साथियों ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। दो तरफा फायरिंग के दौरान फैजान समेत चार दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। अंधेरे का फायदा उठाते हुए तीन दहशतगर्द फरार, तर्जुमान सीटीडी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी, मौसम खुशगवार। लाहौर में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। सिंध के बेशतर अज़ला में गर्मी की शिद्दत बरकरार। शाम को गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। बालाकोट में गनौल के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग, शाहराए काग़ान कई घंटों से ट्रैफिक के लिए बंद। सैकड़ों सयाह और मुसाफिर फंस गए। गाड़ियों की लंबी कतारें, सड़क की बंदिश से सयाहों और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। हज अखराजात में मुमकिन हद तक कमी की गई। हज ऐप से आज़मीन को मुनासिक हज की अदायगी में सहूलत में असर आएगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तजारत का नया सिलसिला शुरू हुआ। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का तकरीब से खिताब। लापता अफराद का मसला बहुत संगीन नोयत अख्तियार कर गया है। यहाँ बिजली का बहरान है, यहाँ गैस का बहरान है। तो वजीर आला साहब आपके वकील क्यों बने हैं? वजीर आला साहब तो खुद जज हैं, उनकी हुकूमत तो विफाक में भी है, सूबे में भी है, सदर भी उनके हैं। जिन जिन जमातों की हुकूमत बलूचिस्तान में, उन्हीं जमातों की हुकूमत विफाक में है, तो उन्हें जज की कुर्सी पर बैठकर अपने आप को वकील नहीं कहना चाहिए। बलूचिस्तान में बिजली का बहरान हल होना चाहिए। लापता अफराद का मामला संगीन नौयत इख्तियार कर चुका है। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान जज की कुर्सी पर बैठकर खुद को वकील ना कहें, जिम्मेदारों के मसाइल हल करना होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का क्वेटा में जिम्मेदारों के धरने से खिताब। सानिहा 12 मई 2007 को 17 साल मुकम्मल हो गए। जलाओ, घिराओ और फायरिंग के वाकयात में 50 से ज्यादा अफराद कत्ल कर दिए गए, 200 से ज्यादा जख्मी हुए, दर्जनों गाड़ियां और इमलाक जला दी गईं। कत्ल किए गए शहरियों के वर्सा आज भी इंसाफ के मुंतजर। मुलजिमान गिरफ्तार हुए मगर फैसला आज तक नहीं हो सका। फायरिंग के वाकयात उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कराची आमद पर हुए थे। लाहौर में बच्चों की लड़ाई खत्म कराने के दौरान फायरिंग से जख्मी होने वाला ट्रैफिक वार्डन दम तोड़ गया। गुज़िश्ता रोज ट्रैफिक वार्डन इरफानुल्ला और उसका भाई गली में बच्चों की लड़ाई खत्म कराने पहुंचे थे। मुलजिमान ने फायरिंग करके दोनों भाइयों को शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस ने वाकये का मुकदमा मकतूल के भाई इकरामुल्ला की मदियत में दर्ज कर लिया। CTO का वार्डन इरफानुल्ला की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। शुजाबाद की सब्जी मंडी में मजदूर ने 200 किलो वजन उठाकर सबको हैरान कर दिया। मेहनतकश ने भिंडी की 17 बोरियां एक साथ उठाई। 17 बोरियों का वजन 5 मन से ज्यादा बनता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, शहरियों ने खूब दाद दी।
अमरीकी सदर जो बाइडन ने गजा में जंग बंदी इसराइली यरकमानियों की रिहाई से मशरूत कर दी। कहा हमास यरकमानियों को रिहा करता है तो कल ही जंग बंद हो जाएगी। जो बाइडन ने रिफा पर चढ़ाई की सूरत में इसराइल को हथियारों की सप्लाई रोकने का इंदिया भी दिया। दूसरी तरफ हमास का कहना है कि अमरीका ने इसराइल को रिफा पर हमला ना करने के बदले हमास रहनुमाओं की मालूमात देने की पेशकश की है। अमरीका सेहूनी फसाइत पर मुसलसल पर्दा डाल रहा है। रिफा में इसराइली जराइम की जिम्मेदार भी जो बाइडन इंतजामिया है।